hello friends welcome back to bbs baba physics today we are going to do nuclear magnetic resonance so nuclear magnetic resonance which is your concept first we'll be seeing that then we'll be moving ahead now you can see in this that uh, the setup will be like radio frequency generator because it will be happening in radio frequency uh, the energy splitting will be in radio frequency it's 10 to the power of minus 6 volt k around electron volt k around here sab hoga

स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बढ़ रहा है उसी तरह जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस है डाउनवर्ड अलाइन और ये अपवर्ड अलाइन उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ते जा रहा है आप यहाँ ध्यान दीजिए यू हैव टू दैट द अपोजिटली अलाइन इज दिस वन इज एट दिसर एनर्जी बिकॉज हायर एनर्जी क्यों क्योंकि इंटरैक्शन में उसको फ्लिप कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो हायर एनर्जी देना पड़ रहा है और सेम डायरेक्शन में एनर्जी जो है कम हो जा रहा है इट्स स्टेबल स्टेट

अगर प्रोटोन का देखना है प्रोटोन का देखना तो e है तो ई बाई टू एम जी आई आई दिया, अगर एक्सटर्नल लगा लगा दिया, B not लगा दिया, तो ये स्प्लिट आई इज इक्वल टू माइनस हाफ ऊपर जो कहते हैं ना आई इज इक्वल टू स्प्लिट हो जाता है एम एस एम आई की वैल्यू एम आई की वैल्यू माइनस हाफ ऊपर और प्लस हाफ नीचे ठीक है ये और ये जो है इसके कोरोस्पॉ डेल्टा ई होता है पहले एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ फिर विल एक्सप्लेन इन डिटेल विद द नोट्स ठीक है तो आप देखिए पहले आई मैग्नेटिक uh, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एंगुलर है हाफ है जब हमने मैग्नेटिक uh, फील्ड लगाया तो इसकी डीजेनरेसी ब्रेक हो गई डीजेनरेसी इज ब्रोकन एंड नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड तो एक माइनस हाफ हो गया एक प्लस हाफ हो गया अब ये देखते हैं कैसे माइनस वाला ऊपर क्यों गया? जो भी चेंज हो रहा है, e है. मान e लीजिए right? और जेड डायरेक्शन बी को ले रहे हैं ठीक है तो बी e क्या बी क्या था आई डॉट बी करेक्ट है ना अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे थे तो, तो यहाँ माइनस होता था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तो यहाँ पे माइनस रह गया अच्छा अब हम जेड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आई और बी तो आई जेड इज इक्वल टू वॉट एम आई एच क्रॉस करेक्ट एम आई एच क्रॉस होगा है ना सही है तो और बी तो ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में तो ई इज वॉट माइनस ई बाई टू एम जी आई एम आई H क्रॉस B, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, E H cross pi 2 MP प्रोटॉन का देख रहे हैं, यहाँ MP कर दिया, E h by 2 M, और यहाँ GI, GI into GI into MI into B, करेक्ट, GI into MI into B, तो ये है, बीटा मान लेते हैं, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन, ठीक है? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं e right? तो बोर ये कहते है। अच्छा बोर मैग्नेटॉन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बी 1836 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी क्योंकि एम पी मास ऑफ प्रोटोन इज वन एट थ्री सिक्स टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो उससे आ जाएगा अच्छा तो एनर्जी टू व्हाट माइनस ऑफ माइनस ऑफ बीटा लिख लेते हैं जी आई एम आई बी ठीक नाउ वी नो कि जो आई जो है आई हाफ जो है आई एम आई स्प्लिट हो जा रहा है माइनस ऑफ हाफ और प्लस ऑफ हाफ एनर्जी इसको ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि आप देखिए ना ई डेल्टा ई अगर यहाँ लिखेंगे या अगर ई वन लेवल को लिखेंगे ई वन लेवल को लिखेंगे तो और ये ई e, नॉट e है तो ई वन लेवल इज इक्वल टू वॉट ई नॉट प्लस ये जो इसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आया है तो ये माइनस है माइनस और माइनस एम आई का जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो बीटा जी आई एम आई एम आई तो लिख दिया बाई टू है ना बी करेक्ट और उसी तरह E2 क्या हो जाएगा E2 अगर ये है तो तो अब डेल्टा ही अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सिंपली बीटा जी आई इंटू बी ठीक है ये बात समझ में आई बीटा जी आई इंटू क्योंकि एम आई एम माइनस हाफ माइ माइनस ऑफ माइनस हाफ

मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला के अकॉर्डिंग जो न्यू आता है इसी को लार्मर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं जो है, आप बीटा इन टू जी आई बी बाई एच ठीक है इसको थोड़ा आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो करते हैं बीटा को क्या ई एच क्रॉस बाई टू एम पी था करेक्ट जी आई तो जी आई रहने दीजिए

कि प्रोटोन आप ले लिए थे प्रोटोन के केस में मान लीजिए कर रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई था उसको मैग्नेटिक फील्ड दिए तो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया एम आई इज टू माइनस हाफ ऊपर चला जाएगा और प्लस हाफ नीचे चला जाएगा क्यों नीचे चला जाएगा क्योंकि इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर और ये जो एम आई है इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस, इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ जाएगी राइट डेल्टा डेल्टा डेल्टाई e, और डेल्टा ई e, उसी तरह आपने की कोई रेडिएशन e कर रहे थे तो एक ऐसे सर्टन ई रेडिएशन में H पे ये एनर्जी लेवल मैच कर गई तो जो ऊपर वाले स्पिन वाले स्टेट से वो इस वाले स्पिन में बहुत आने लगे और जो आपके स्क्रीन uh, पे क्लॉक होने लगा कि इंटेंसिटी uh, बहुत ज्यादा आने लगी देन यू गेट टू नो कि इस अकॉर्डिंग इस एनर्जी के अकॉर्डिंग वी हैव द डेल्टा ई देन फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द एच न्यू नॉट तो यही था मोटा मोटी नाउ वी आर गोइंग द एक बुक के नोट से आपको गो थ्रू करवाता हूँ uh, we'll ये सब लिखा है कि आइडेंटिफाई वाई नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है डिटरमाइन न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम ही चीज है यार स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्योंकि मैग्नेटिकू एम जी जी आई आई तो आई है तो मैग्नेटिक मोमेंट है ठीक है तो स्ट्रक्चरल और यूजेस में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और स्टीडियो केमिकल फीचर्स के बारे में बताता है आ, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने जैसे कहा कि इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लिआई हैविंग रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन फॉर एग्जांपल i, I, हो, तो I हो जाएगा तो उसमें ये सब नहीं होगा यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है आप देख लीजिए नाउ इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स के पास होता है से हमें कुछ बातें पता चली जो मैंने आपको ऊपर बताया कि मैग्नेटिकली uh, uh, जो एक्टिव न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं न्यूक्लियस कौन सा है अगर न्यूक्लियर के पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है तो जीरो रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन होता है I इजल टू जीरो होता है ये पता है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं कि अगर P इज टू टू तो इसका कंट्रीब्यूशन आई इज होगा तो इसमें जो है स्प्रिटिंग नहीं होगी ठीक है ना सच न्यूक्लियर या नॉन मैग्नेटिक इसको नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में दिस आर नॉट अपना जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन करता है ऊपर नीचे नहीं होता है पर अगर जहां पे भी ऑड न्यूक्लियॉन्स हो गए ऑड जैसे ऑड प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स ठीक है तो वहां पे दोनों इंटीग्रल स्पिन आ जाएगा ठीक है क्योंकि पी इो टू इसका भी हाफ एन इज टू हाफ तो इसका वन हो गया अब एन इजल टू सेवन पी इजो टू सेवन तब भी वन हो गया फाइव ठीक है फाइव तो थ्री हो गया ठीक है

इसको क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर न्यूक्लियर क्वांटम नंबर ठीक है i इज टू न्यूक्लियर क्वांटम नंबर जो हमारा फिलिंग ऑफ एनर्जी लेवल से उसके करस्पोंडिंग कर देते हैं ठीक है तो ये हम देखेंगे i इज इक्वल टू 3 आता है अब जैसे ही पॉइंट ये है कि अगर स्पिन हो मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा तभी होगा i इज टू 0 पे ये फिनोमेनन नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं

हाउ वे न्यूक्लियस नॉट अ पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस जो है पॉइंट चार्ज नहीं है इसलिए जी का एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक जी का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है और हमने न्यूक्लियर मैग्नेटॉन देख ही लिया न्यूक्लियर मैग्नेटोन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लिया है अब ना अब मान लीजिए अब हम आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटोन मतलब की प्रोटोन का नंबर पी है और एक का चार्ज ई ले लिए तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा पीई -E हो गया पीई -E हो गया तो पीई

ऑक्सीजन के लिए निगेटिव भी है निगेटिव जी वैल्यू इज पॉसिबल ठीक है ये बात ध्यान रखें रखेंटिव जी वैल्यू इज पॉसिबल बट इज पॉजिटिव इन ऑल नो न्यूक्लियर मोस्टली नियरली जो है पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है है ये भी की तरफ आ रहा ना अब आप देखते हैं अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बी डायरेक्शन जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया उसके अला रोटेट कर रहा है उसके अला रोटेट कर रहा है क्यों रोट कर रहा है

बीटा एन एम आई वही हमने ऊपर अभी वही कैलकुलेट किया था जी बीटा एन एम आई आया करेक्ट नाउ अब एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस मैं वही बात कह रहा हूं आपको बस नोट्स के फॉर्मेट में मिल गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डॉट बी होता है आप देख लीजिएटिक रेशियो होता है जैसे वहां पे गाइडोमैग्निट्यूड क्या होता है म्यू एल मैग्नेट्यूड बाई एल उसी तरह यहाँ पे म्यू आई बाई आई सेम चीज है गाइडो मैग्नेटिक रेशियो वही बता रहा है

अब जीरो, अब फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ द और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मैग्नेटिक फील्ड से अगर MI की वैल्यू है आप फॉर्मुला से भी देख लीजिए एमआई की वैल्यू तो जीरो जीरो तो तो मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है कोई कंपोनेंट नहीं होगा कोई कंपोनेंट नहीं होगा कोई प्रोसेस नहीं, हो, नहीं करेगा इसके अकॉर्डिंग ठीक

क्या थीटा का एंगल होगा कि यहाँ वन आएगा तो रूट टू तो नाउ एम आई प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो लोअर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया मैथमेटिकली तो भी आपने देख लिया माइनस था एंड अलाइन अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हाइयर एनर्जी स्टेट हो गया ठीक है हाईर एनर्जी स्टेट्स हो गया अगर जीरो है तो परपेंडिकुलर हो गया ठीक नाउ ये बहुत, बहुत सही डायग्राम है

यही जो न्यूनोट है यही एनर्जी के corresponding है तो तो कर दी, अब जो जो क्या कहते हैं मतलब आ रहा था उसको आपने ले लिया बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंडर मैग्नेटिक रेजोनेंस रेजोनेंस कब हुआ कि जब सेम न्यू नॉट आया एनर्जी के corresponding, उसी को nuclear resonance spectroscopy कहते हैं ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या न्यू निकालने का है तो उसका जो नार्मल फ्रिक्वेंसी है सिक्सटी मेगा हर्च होता है राइट ये सब तो ठीक है अब इसमें एक और बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉपुलेशन लेवल एक्सचेंज बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउन स्टेट्स में है यहाँ अप स्टेट्स में है तो मैक्सवेल-बोल्मैन अपर बाई लेटी तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया है अगर एनर्जी लेवल जो है दिस एनर्जी लेवल डेल्टा ई जो है बहुत कम आया माइनस ट्वेंटी सिक्स जूल आ रहा है तो इसमें कैलकुलेट किया तो आपको दिख रहा है क्या कि वन से बहुत ज्यादा कम मतलब व्हाट 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 यू यू मीन इज लाइक कि लोअर एनर्जी और अपर एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का देख रहे हैं one में से ते, बस टू तो पावर ही जो है लोअर में ज्यादा है माइनस की है ठीक तो इससे क्या पता चले थे स्लाइट एक्सेस स्लाइट एक्सेस इन द लोअर एनर्जी तो स्लाइट एक्सेस इन द लोअर एनर्जी है तो इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी कम मिलेगी क्योंकि बहुत पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले स्टेट में

तो एनएमआर नहीं होगा वही आपको जो टॉर्क वही ओरिएंटेशन आपको मेरा टॉक की वजह से आ, प्रेसेस करेगा प्रेसेस वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है तो आप देख लीजिएगा बाद बाकी वही सब चीज जो मैंने बता रखी है वही रेडिशन सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर